एक लास्ट क्वेश्चन ये देखो इस वाले सेशन में, ए प्लेनेट रिवॉल्विंग अराउंड इलिप्टिकल ऑर्बिट क्लोजर टू द सन एट डिस्टेंस आर वन, क्लोजेस्ट डिस्टेंस आर वन है और फॉरदेस्ट डिस्टेंस आर टू है, तो बी वन बी टू लीनियर वेलोसिटी, क्लोजेस्ट डिस्टेंस आर वन है। चलो अगर एक प्लेनेट है, प्लेनेट रिवॉल्विंग है इलिप्टिकल ऑर्बिट, चलो एक प्लेनेट है वो इलिप्टिकल ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है और ये इलिप्टिकल ऑर्बिट है और उसके सबसे पास का डिस्टेंस जो है वो आर वन है और सबसे दूर का डिस्टेंस ये आर टू है, तो यहाँ पे स्पीड मान लो इधर वी वन है और यहाँ पर स्पीड वी टू है, तो ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, लीनियर स्पीड का रेशियो निकालना है। अब सबको पता होगा कि नेट टॉर्क जीरो होता है क्योंकि सेंटर से पास होता है ग्रेविटेशनल फोर्स, सेंटर से पास होगा यस सन से, तो यहाँ पे टॉर्क निकालोगे तो टॉर्क जीरो चला गया। अगर टॉर्क जीरो चला गया, टाउ जीरो होते, एंगुलर मोमेंटम हर पॉइंट पे कांस्टेंट होता है, उसकी वैल्यू मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों में कांस्टेंट होती है, मतलब यह आ जाएगा एम बी वन आर वन इज इक्वल टू एम बी टू आर टू, इसका मतलब एम ने एम को ख़त्म कर दिया, तो इसका मतलब ये हुआ कि बी वन अपान बी टू, बी वन अपान बी टू इज इक्वल टू आर टू अपान आर वन, बी वन अपान बी टू, बी वन अपान बी टू इज इक्वल टू आर टू अपान आर वन, बी ऑप्शन सही है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, अपना ख्याल रखिए, मोटिवेटेड रहिए, एनर्जेटिक रहिए और क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए और जस्ट फोकस ऑन द गोल, गोल पर फोकस करो, भूल जाओ सारी दुनिया को यार। थैंक यू।